हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दिवाली पे आप घर के ना बहुत सारे जो कोने होते हैं ना, उनको किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं गेंदे के फूल की माला के साथ या फिर उर्ली वगैरह के साथ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग शेयर करी थी, उसी में मैंने कुछ उर्ली सेट्स परचेज करे थे। इवन मैंने आप लोगों के साथ लोटस वाले जो कैंडल होल्डर है ना, वो भी DIY शेयर करे हैं। तो अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो DIY करके घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने कॉर्नर्स को डेकोरेट किया है। वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसको ऑन करें जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर कहीं पे भी पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट आइडिया। तो यहाँ पे ना घर में बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, तो उन्हीं को ही हम करेंगे इस वीडियो में आज अलग अलग तरीके से डेकोरेट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉर्नर है जिसपे मैं ले रही हूँ यहाँ पे अपने प्लांटर स्टैंड्स। अगर आपके पास इस तरीके के स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी हाइट वाली चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं, स्टूल हो गया या फिर किसी भी तरीके की चीज़ आपके पास है उनको आप यहाँ पे ले सकते हैं। के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ये पीतल की मटकी, बहुत ही पुरानी है ये भी, तो इन्हीं का ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे ना किसी भी तरीके के मटके होते हैं ना, वो आप ले सकते हैं मिट्टी के। अगर वो भी नहीं है तो किसी भी तरीके का भगोना ले लीजिए, उसी को ही डेकोरेट यहाँ पे कर सकते हैं फ्लावर के साथ। तो यहाँ पे मैंने तीनों जितने भी अपने मटके लिए हैं उनमें इस तरीके से हैंगिंग फ्लावर्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और बस चारों तरफ से इसको कवर कर दिया और छोटी छोटी सी ना फ्लावर की तरह इनको फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से एक पैटर्न बना लेंगे, जैसे कि फ्लावर्स जब गिरते हैं ना तो उन्हीं के ही साथ हमें यहाँ पे डिजाइन्स बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से बहुत फटाफट से इन सबको बना करके रेडी कर लिया है। इसके बाद ना मैं यहाँ पे उर्ली और फिर कैंडल होल्डर्स वगैरह इन पे साथ रखूंगी, तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे नीचे बेस बना करके रेडी कर रही हूँ। तो जितनी चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना, उन सबके नीचे हमें यहाँ पे फ्लावर्स लगाने। आप चाहें तो किसी भी तरीके के फ्लावर्स के साथ इनको सर्कल की तरह नीचे ना डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस अपने जितने भी कैंडल होल्डर्स थे, उर्ली थी, उन्हीं सबको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगी। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये कहाँ से मैंने परचेज करे हैं, और अगर आप इनको परचेज नहीं करना चाहते हैं तो DIY की वीडियो देख करके आप इनको घर पर ही बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये जो कॉर्नर है ना, वो फटाफट से बिल्कुल तैयार हो गया है। और बस अब हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ और फ्लावर्स और कैंडल्स, और हमारा जो ये कॉर्नर है वो दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्टली ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ना पूरे में फ्लावर्स वगैरह लगाओ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा फेस्टिव वाइब्स यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे मैंने उर्ली भी रख ली है, कैंडल होल्डर्स भी हो गई हैं, साथ ही साथ इतने सारे फूल की माला भी ऐड कर दी है। ये सब मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था, काफ़ी कम रेट में मुझे ये मिला था और ये ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आपने अगर ये एक बार फ्लावर्स खरीदे ना तो आपके ये काफ़ी टाइम तक काम आते रहते हैं। आप चाहें तो ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ भी यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड आइडिया। तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मेरे डाइनिंग एरिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ इस तरीके से ना, मेरे पास बैम्बू स्टिक्स थी, उन्हीं का ही यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपके पास बैम्बू स्टिक्स नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी स्टिक्स यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में ना कोई भी प्लांट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने ना इन स्टिक्स के ऊपर जो मेरी इस तरीके से आर्टिफिशियल माला थी उसी को ही मैंने यहाँ पे रैप कर दिया है और काफ़ी अच्छा लगने लग गया था, बिल्कुल कलर ऐड हो गया था। फेस्टिवल के टाइम पे कलर्स हो गए, लाइट्स हो गए, बस इन्हीं सब चीज़ों को ऐड करेंगे ना तो बिल्कुल फेस्टिवल लुक आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्टिक्स थी मेरे पास उन पे मैंने ये इनको लपेट दिया है और कॉर्नर में एक पॉट के साथ इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें करना है इसको थोड़ा सा और डेकोरेट। तो यहाँ पे मैं वही अगेन जो आर्टिफिशियल माला है ना उन्हीं के साथ ही डेकोरेशन कर रही हूँ। तो नीचे पॉट को भी कवर कर दिया है, साथ ही साथ ना पुराना एक इस तरीके से ना आर्मी डिज़ाइन बनता था तो उसी को ही मैं इस वाले, मतलब जो मेरी माला
मसाला है उससे मैं इसको यहाँ पे बना दूंगी। दोनों कॉर्नर्स पे बना करके रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी फ्लावर्स वगैरह बना सकते हैं, मतलब अपना क्रिएटिविटी भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों कॉर्नर्स पे इस तरीके से ये आर्मी डिजाइन को यहाँ पे बना दिया। अब बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैं रख रही हूँ अपने ये तीनों कैंडल होल्डर्स को। ये भी DIY मैंने आपको करना बताया है, तो अगर आप इन्हें भी नहीं परचेज करना चाहते तो फटाफट से DIY की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो बस इनको भी फ्लावर्स के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है मैंने यहाँ पे। और लास्ट में जो मैंने ये आर्मी बनाई थी ना, इसके अंदर मैं ओरिजिनल गेंदे के फ्लावर्स यहाँ पे रख रही हूँ। और आप कोई भी कलर को ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर अच्छे से ऑप्शंस मिलते हैं ना मार्केट में कलर के, फूल के, तो आप उन्हीं का ही यहाँ पे यूज़ करिएगा। बट मेरे को थोड़ा सा लगता है कि ना ये अपना फटाफट से बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इन वाले आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बस लास्ट में मैंने रखे हैं कुछ फ्लावर्स, कैंडल होल्डर्स और जितनी भी कैंडल्स थी ना उनको ही यहाँ पे मैंने जला दिया। तो देखिए हो गया हमारा सेकेंड कॉर्नर भी डेकोरेट। तो उर्ली कैंडल्स और कैंडल होल्डर्स के साथ ना देखिए ये कॉर्नर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब आपको सोचना नहीं है कि आप घर के कोनों को किस तरीके से डेकोरेट करेंगे, आप इन आइडियाज़ को फॉलो करके अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट अपना थर्ड आइडिया। तो इस कॉर्नर को भी मैंने सेम वही अपने मंदिर वाले रूम के कॉर्नर पे ही डेकोरेट किया है। यहाँ पे सेम वही अपने दोबारा से प्लांटर्स स्टैंड के साथ, बल्कि प्लांटर्स को भी यहाँ पे लिए हैं। और इसके साथ साथ ना मैं कुछ इस तरीके से फ्लावर्स की स्टिक्स यहाँ पे बना के रेडी कर रही हूँ। मैंने ये ली है इस तरीके से, जो पनीर टिक्के वाली स्टिक होती है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल जो सीख वाली झाड़ू होती है या कोई भी बैम्बू स्टिक्स वगैरह ना, उनके साथ आप इस तरीके से बंच यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैं इनको इसमें लगा रही हूँ, आप चाहें ना तो किसी भी चीज़ के अंदर इनको रख करके किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो कलर के गेंदे के फूल यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। साथ ही साथ अब मेरे पास जितनी भी उर्ली सेट है, कैंडल होल्डर्स है ना, उन सबको ही मैं यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ। ये बस जस्ट मैं भी रख के देख रही हूँ, इसके बाद जितने भी मैंने चीज़ें ली हैं उनके नीचे मैं इन सारी माला को ऐड करती जाऊँगी। तो इससे क्या होगा, इसका जो नीचे का जो बेस है ना वो ही कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें थी उनको इस तरीके से कवर कर दिया है। लास्ट में हम यहाँ पे एक डिज़ाइन या फिर पैटर्न बनाएंगे, वो आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो देखिए अलग अलग माला को ऐड करके मैंने इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना लिया। तो बहुत ही सिंपल होता है, बस सर्कल सर्कल घुमाना है, बस ऐसा लगता है कि एक ही माला से सारा डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो बस हमें कुछ नहीं करना था, बस इसी तरीके से पैटर्न बनाना था। लास्ट में हम यहाँ पे रखेंगे कुछ कैंडल्स और कैंडल होल्डर्स। तो देखिए देखते ही देखते हमारा फटाफट से जो तीसरा आइडिया था ना वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक उर्ली के अंदर ना ओरिजिनल फ्लावर्स का पूरा बंच यहाँ पे रख दिया है, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको तीनों आइडियाज़ में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से अगर आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे ना तो वो एक अलग ही फेस्टिव वाइब्स देगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बट हाँ, आप मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि तीनों आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन है उसको ऑन करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।